जय श्री राम दोस्तों, कैसे आप? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। एक्सेल की इस वीडियो के अंदर मैं आपको सेल ऑप्शन बताऊंगा कि एक्सेल के अंदर हम किस टाइप से सेल ऑप्शन का यूजेस कर सकते हैं। देखिए सेल ऑप्शन की बात करें तो इसके अंदर हमारे ऑप्शंस मिलेंगे। देखिए सेल ऑप्शन की बात करें तो इसके अंदर हमारे क्या है, अपनी सेल को चेंज करना। जैसे एक एग्जाम्पल मान चलो मुझे रॉ की हाइट बढ़ानी है, रॉ को ऑटो फिट करना है तो ऑटो फिट कैसे करेंगे। हमें कॉलम की विड्थ बढ़ानी है, कॉलम को ऑटो फिट करना है तो हम किस टाइप से कॉलम को ऑटो फिट करेंगे। किसी भी रॉ को हाइट करना है, कॉलम को हाइट करना है, रॉ को आपको शो कराना है, कॉलम को शो कराना है, रॉ को डिलीट करना है, कॉलम को डिलीट करना, या आप किसी रॉ कॉलम इंसर्ट करना चाहते हो तो आप किस टाइप से रॉ कॉलम इंसर्ट कर सकते हो। आपको कोई सीट इंसर्ट करानी है तो आप किस टाइप से सीट इंसर्ट करा सकते हो। साथ ही साथ आपको किसी रॉ को डिलीट करना है, कॉलम को डिलीट करना है तो आप किस टाइप से डिलीट कर सकते हो। साथ ही साथ इसके अंदर मैं आपको एक ऑप्शन बताऊंगा डिलीट शीट का। देखिए डिलीट शीट की बात करें तो हम डिलीट शीट हम नहीं करते। वो हम क्यों नहीं करते वो मैं आपको प्रैक्टिकल के अंदर बताऊंगा कि आपको डिलीट शीट क्यों नहीं करनी चाहिए। साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा प्रोटेक्ट सेल, कि आप किस टाइप से अपने सेल को प्रोटेक्ट कर सकते हो। अपनी सीट को प्रोटेक्ट करना चाहते हो तो आप किस टाइप से प्रोटेक्ट कर सकते हो। आप इसके अंदर कोई भी डेटा आप देना चाहते हो कि मुझे इतना डेटा क्या करना है, एडिटेबल करना है, तो आप एक परमिशन देके डेटा भी क्या कर सकते हो, एडिटिंग के लिए भी दे सकते हो कि मुझे क्या है किसी भी डेटा को परमिशन देके अकॉर्डिंग भी लॉक करना है, कि मैं चाहता हूं कि जितने पे परमिशन दूं उसी के अकॉर्डिंग वर्क हो, अदरवाइज किसी सीट पर वर्क ना हो। तो इस टाइप से भी आप प्रोटेक्ट कर सकते हो। तो इस वीडियो के अंदर मैं पूरा कंप्लीट आपको सेल ऑप्शन बताऊंगा कि किस टाइप से आप सेल ऑप्शन का यूज कर सकते हो। मैं एलके सुरवासी, वेलकम टू माय चैनल एलएस डिजिटल एकेडमी। अभी आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को अभी कभी सब्सक्राइब कर लें, प्लस बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि ऐसे ही आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो चले बिना किसी तरीके शुरू करते हैं। तो होम टाइप के अंदर यहाँ पे मिलेगा हमारा सेल्स। देखिए सेल्स की बात करें तो सेल्स के अंदर हमारे यहाँ पे 3 ऑप्शन है, इंसर्ट, डिलीट और फॉर्मेट। तो सबसे पहले बात करते हैं हम इंसर्ट की। देखिए जैसे हम यहाँ पे इंसर्ट पर आएंगे तो इंसर्ट के अंदर सबसे पहला ऑप्शन मिलेगा हमारा इंसर्ट सेल्स। आप अपनी सीट के ऊपर कहीं भी वर्क कर रहे हो, आप वर्क करते समय आपको वहां पे क्या है एक सेल इंसर्ट कराना है, तो आप किस टाइप से वहां पर सेल इंसर्ट करा सकते हो। आपको लग रहा है कि आपको कहीं भी सेल इंसर्ट कराना है तो सबसे पहले तो वहां पर आप क्लिक करिए जहां पर भी आपको सेल इंसर्ट कराना है। जैसे एक एग्जाम्पल मान के चलिए मुझे यहाँ पर सेल इंसर्ट कराना है तो यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद इंसर्ट पर आऊंगा, इंसर्ट पर आने का यहाँ पर किस पर क्लिक करेंगे, इंसर्ट सेल। जैसे आप यहाँ पर इंसर्ट सेल पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको ऑप्शन ओपन हो जाएगा इंसर्ट। अब आपको जो सेल है वो कैसे इंसर्ट कराना है, मतलब आपको जो सेल है वो राइट में शिफ्ट हो, ये वाला सेल राइट में शिफ्ट हो जाए और उसके बाद यहाँ पर एक सेल ब्लैंक मिल जाए, या आप चाहते हो कि ये वाला सेल जो है वो डाउन में शिफ्ट हो जाए और यहाँ पर आपको ब्लैंक सेल मिले। मैं चाहता हूँ ये डाउन में शिफ्ट हो, ये नाम है वो डाउन में शिफ्ट हो जाए और यहाँ पर मुझे क्या एक ब्लैंक सेल मिल जाए। तो यहाँ पर मैंने क्लिक कर दिया किस पर, शिफ्ट सेल डाउन। तो देखेंगे ये सेल मेरे क्या हो गए, डाउन में शिफ्ट हो चुके हैं और यहाँ पर मुझे क्या मिल चुका है, एक ब्लैंक सेल मिल चुका है। या फिर मैं करता हूँ शिफ्ट राइट, तो यहाँ पर राइट शिफ्ट कर देता हूँ, ओके। तो देखेंगे तो ये मेरा राइट में शिफ्ट हो जाएगा और इधर यहाँ पर मेरा सेल इंसर्ट हो जाएगा। तो आप इस टाइप से क्या कर सकते हो, एक सिंगल सेल इंसर्ट करा सकते हो, या फिर आप क्या इंसर्ट कराना चाहते हो, पूरी रॉ इंसर्ट कराना चाहते हो, कि आपको यहाँ पर क्या चाहिए, एक रॉ चाहिए, तो आप क्या कीजिए यहाँ पर इंसर्ट रॉ पर क्लिक कर दीजिए। तो आप देखेंगे तो यहाँ पर क्या है, आपकी एक रॉ इंसर्ट हो जाएगी। या आप एक से ज़्यादा रॉ इंसर्ट कराना चाहते हो तो जितनी रॉ आपको इंसर्ट करानी है उतनी रॉ आप सेलेक्ट कर लीजिए और सेलेक्ट करने के बाद में किस पर क्लिक कर देंगे, इंसर्ट सीट रॉ। तो आपने जितनी रॉ सेलेक्ट की थी उतनी रॉ यहाँ पर क्या हो जाएंगी, इंसर्ट हो जाएंगी, क्लियर। नेक्स्ट ऑप्शन होता है आपका इंसर्ट कॉलम का। आप चाहते हो कि यहाँ पर आपको कॉलम इंसर्ट कराना है तो यहाँ पर क्लिक करिए आप इंसर्ट सीट कॉलम्स, तो यहाँ पर देखेंगे तो आपका एक कॉलम इंसर्ट हो जाएगा। सेम आपको यहाँ पर जैसे मैंने 4-5 कॉलम सेलेक्ट किए हुए हैं, अब यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ इंसर्ट कॉलम पर, तो आप देखेंगे तो जितने कॉलम्स आपने सेलेक्ट किए थे उतने कॉलम्स यहाँ पर इंसर्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट ऑप्शन होता है इसके अंदर इंसर्ट सीट। अब सीट की बात करें तो देखेंगे तो हमारी यहाँ पे क्या है, सीट 1 है, लेकिन मुझे यहाँ पर और भी सीट इंसर्ट करानी है तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे इंसर्ट सीट पर, तो आप देखेंगे तो आप यहाँ पर सीट 2 आपकी आ चुकी है। फिलहाल मैं सीट को इधर मूव कर देता हूँ, क्लियर। तो आप इस टाइप से आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर कोई भी सेल इंसर्ट कराना है, रॉ इंसर्ट कराना है, कॉलम्स इंसर्ट कराने है, सीट इंसर्ट करानी है, तो यहाँ पर आप इंसर्ट करा सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन होता है यहाँ पर आपका डिलीट का। यहाँ पर आप डिलीट पर आएंगे तो सेम आपको क्या करना है, एक सेल डिलीट करना है। तो यहाँ पर सेल, अब जो आपका सेल होगा वो शिफ्ट कैसे हो, जैसे आप यहाँ से ये सेल्स डिलीट हो तो आपको लेफ्ट वाला सेल यहाँ पर शिफ्ट करना है या आपको अप वाला सेल शिफ्ट करना है, तो
मैं कर देता हूँ यहाँ से जैसे लेफ्ट, ओके कर देंगे तो आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या हुआ, ये आपका यहाँ पर लेफ्ट में शिफ्ट हो गया। ठीक है, ऐसे मैं वापस जाता हूँ और मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा अप, तो ये सेल मेरा क्या हो जाएगा, अप में शिफ्ट हो जाएगा इस टाइप में। क्लियर। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका क्या, रॉ। तो आप क्या चाहते हो कि रॉ डिलीट करोगे, तो रॉ की क्या है, जैसे आप देखें तो यहाँ पे 4 और 5, यहाँ पर आप 5 नंबर की रॉ को डिलीट करेंगे तो आपकी रॉ नंबर 5, या आप एक साथ 3-4 रॉ सेलेक्ट करके रखते हैं और डिलीट रॉ करेंगे तो देखेंगे तो आपको क्या है, 3 के बाद सीधा 11 आ गया। मैं कंट्रोल जेड करता हूँ। सेम आपको कॉलम डिलीट करना है तो कॉलम, एक कॉलम डिलीट करना है तो जो आपका कॉलम सेलेक्ट होगा वो डिलीट हो जाएगा। आपने 3-4 कॉलम यहाँ पर सेलेक्ट किए हुए हैं और डिलीट कॉलम करेंगे तो आपने जितने कॉलम सेलेक्ट किए हैं वो आपके यहाँ पर डिलीट हो जाएंगे। अब नेक्स्ट डे की बात करें तो एक ऑप्शन आप सबसे ज्यादा ध्यान रखिए, नेक्स्ट ऑप्शन आपको क्या, डिलीट सीट। देखिए डिलीट सीट आप गलती से नहीं करनी है, क्योंकि आपने जब अभी अभी देखा, देखिए डिलीट सीट आप गलती से भी मत करना, क्योंकि अभी आपने देखा कि मैंने यहाँ पर रॉ डिलीट करे, कॉलम डिलीट करे, सेल्स डिलीट करे, तो क्या हुए, वो हमारे कंट्रोल जेड से बैक आ गए। ठीक है, वो हमारे क्या है, कंट्रोल जेड से बैक आ गए। लेकिन हम डिलीट सीट करेंगे तो सीट क्या होगी, हमारी परमानेंट डिलीट हो जाती है और वो फिर वो हमारी कंट्रोल जेड से बैक नहीं आती है। जैसे देखिए आप डिलीट भी करेंगे तो आपको क्या देगा, ये आपको एक मैसेज भी शो कराएगा कि आपकी जो सीट है वो परमानेंट डिलीट हो रही है, क्या आप परमानेंट डिलीट करना चाहते हो, तो आप यस कर दीजिए। लेकिन आपका डिलीट पे गलती से क्लिक हो गया है तो आप क्या कर दीजिए, उसे कैंसिल कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि आपकी सीट एक बार डिलीट होगी तो फिर वो कंट्रोल जेड से बैक नहीं आएगी। जैसे देखें मैं डिलीट सीट पर क्लिक करता हूँ तो देखेंगे क्या, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल विल परमानेंट डिलीट सीट। ठीक है, कि जो आपकी ये सीट है ये क्या होगी, परमानेंट डिलीट हो जाएगी, फिर ये सीट आपकी बैक नहीं आएगी। जैसे एक एग्जांपल, यहाँ पर मैंने एक सीट और ली, अभी सीट के अंदर कुछ भी मैंने काम कर लिया, अब इस सीट को मैं क्या करता हूँ, डिलीट करता हूँ, यहाँ पर डिलीट करूंगा तो आप देखेंगे तो मैं सीट नंबर 3 पे काम कर रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ से मैं करता हूँ डिलीट सीट और डिलीट कर दूंगा तो देखेंगे मैं तो 3rd नंबर की सीट डिलीट हो चुकी है। अब मैं कंट्रोल जेड करूंगा तो देखिए मैं कंट्रोल जेड की प्रेस कर रहा हूँ लेकिन मेरी सीट बैक नहीं आएगी। क्लियर, तो जब भी आप सीट को डिलीट करें तो आप डिलीट करने के लिए सोच समझ के करें कि वो सीट आपकी फिर बैक नहीं आएगी। तो ये ऑप्शन होते हैं हमारे डिलीट के। नेक्स्ट ऑप्शन बात करें तो देखिए नेक्स्ट ऑप्शन हमारा क्या, फॉर्मेट। फॉर्मेट के अंदर ऑप्शन दिया हुआ आपके क्या, रॉकी हाइट, कि आप चाहते हो कि जो आपकी रॉकी हाइट है वो रॉकी क्या हाइट रखना चाहते हो। देखिए रॉकी हाइट की बात करें तो रॉकी हाइट क्या होती है, जैसे एक एग्जांपल आपका ये रॉ है, आप इस रॉ की हाइट चेक करना चाहते हो तो सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, रॉ हाइट। जैसे आप यहाँ पर रॉ हाइट पर क्लिक करेंगे तो देखेंगे तो आपको यहाँ पर रॉ की हाइट शो करेगा कि यहाँ पर इस रॉ की हाइट क्या है। क्लियर, फिलहाल मैं क्या करता हूँ, इस रॉ को यहाँ पर इस टाइप से साइज बढ़ा देता हूँ। मैंने इस रॉ का साइज बढ़ाया और रॉ का साइज बढ़ाने के बाद में यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन क्या हमारा, ऑटो फिट रॉ हाइट। तो मतलब जो भी आपने इसके अंदर टेक्स्ट लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग क्या होगी, आपकी रॉ बिल्कुल ऑटो फिट हो जाएगी। क्लियर, आपने कोई भी रॉ है, आपने कोई साइज है, आपके साइज छोटे बड़े हो रहे हैं, ठीक है, और आप चेक करना चाहते हो कि इस रॉ का साइज क्या रखना है, तो आप क्या है यहाँ पर आप रॉ का क्या देख सकते हो, यहाँ पर साइज भी देख सकते हो। ठीक है, कि जो रॉ की हाइट कितनी है, 18.75, और मुझे इस रॉ की हाइट चेक करूँ तो यहाँ पर देखेंगे तो इस रॉ की हाइट कितनी है, 39, तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, 18.75 इसकी हाइट खुद भी चेंज कर सकता हूँ। यहाँ पे दिया मैंने 18.75, उसके बाद ओके कर देंगे तो देखेंगे तो आप इस टाइप से अपनी रॉ की हाइट भी यहाँ पर सेट कर सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन होता है आपका क्या, कॉलम की विड्थ। आपकी ये क्या बताएगा, कॉलम की विड्थ बताएगा, जो डिफॉल्ट कॉलम की विड्थ होती है वो कितनी होती है, 8.43। क्लियर, ऐसे सेम आप चाहते हो कि कॉलम की विड्थ कैसे रखना चाहते हो, ऑटो फिट कॉलम के अकॉर्डिंग रखना चाहते हो, जैसे आपने टेक्स्ट लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग आपकी कॉलम की विड्थ सेट हो जाए, तो जितना आपका टैक्स है उसी के अकॉर्डिंग आपकी कॉलम की विड्थ यहाँ पर सेट हो जाएगी। देखिए क्लियर, जैसे एक एग्जांपल मान चले कि मैंने यहाँ पर लिख दिया यहाँ पर रमेश कुमार, ये मैंने नेम लिखा, नेम लिखने के बाद में अब यहाँ पर किस पर क्लिक करता हूँ, ऑटो फिट कॉलम विड्थ, तो जितना मैंने यहाँ पर टैक्स लिखा है उसी के अकॉर्डिंग मेरी कॉलम की विड्थ सेट हो जाएगी। यहाँ पर मैंने नेम लिखा राम, अब यहाँ पर देखिए वापस जाता हूँ और ऑटो फिट कॉलम विड्थ कर दूंगा तो यहाँ पर मेरी राम के बराबर, मतलब जितना आप उसके कॉलम के अंदर कंटेंट लिखा होगा, जितने वर्ड का कंटेंट होगा उसी वर्ड के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, आपकी कॉलम की विड्थ सेट हो जाएगी। नेक्स्ट ऑप्शन होता है इसके अंदर क्या, डिफॉल्ट कॉलम विड्थ। देखिए डिफॉल्ट की बात करें तो यहाँ पर देखेंगे तो डिफॉल्ट दिया हुआ है, जो इसका साइज होता है
ठीक है, आप जो साइज दिया होता है कितना होता है 8.43, तो आप इसी साइज पे रखना चाहते हो, तो आप क्या करेंगे यहाँ पे कॉलम विड्थ पे जाएंगे और यहाँ पे दे दीजिए 8.43, ये ओके कर दीजिए, तो इसी साइज पर आपका कॉलम यहाँ पर शो करा देगा। क्लियर? तो इस टाइप से आप यहाँ पर क्या है कॉलम की विड्थ भी चेक कर सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन होता है देखिए हाइट एंड अनहाइट। आपको कोई भी रॉ है, जैसे मान चले कि मैंने यहाँ पर 3 से लेके 9 तक इन रॉ को क्या कर देता हूँ, मैं हाइट कर देता हूँ। तो यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर हाइट पर आ जाता हूँ, तो यहाँ पर क्या कर देता हूँ हाइट रॉ। तो आप देखेंगे तो यहाँ पर क्या है 1, 2, उसके बाद में क्या है सीधा राइट मेरी 10, तो मतलब मैंने क्या कर दी ये यहाँ पर रॉ हाइट कर दी है। वापस जाता हूँ, इसको मैं अनहाइट कर दूंगा, तो यहाँ पर आपको जाना होगा अनहाइट रॉ, यहाँ पे ये अनहाइट हो गया। सेम फिर से जाता हूँ मुझे कॉलम हाइट करने, तो यहाँ पर मैं कॉलम सेलेक्ट कर लेता हूँ कितने कॉलम्स मुझे हाइट करने, और यहाँ पर मैं किस पर जाता हूँ हाइट कॉलम्स, तो यहाँ पर मेरे कॉलम्स हाइट हो गए। वापस मुझे शो कराने तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा अनहाइट कॉलम्स। ऐसे सेम हम क्या कर सकते हैं अपनी सीट को भी हाइट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर हम सीट को हाइट करेंगे तो देखेंगे तो सीट हाइट हो चुकी है, अब मुझे इसको शो कराना है तो हम जाएंगे अनहाइट सीट्स, और यहाँ पर कौन सी सीट आपने हाइट करी थी सीट 1, ओके कर दीजिए, तो आपकी सीट 1 यहाँ पर शो हो चुकी है। तो इस टाइप से आप क्या कर सकते हो अपनी सीट को रॉ को कॉलम्स को हाइट एंड अनहाइट का यूजेस कर सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन होता है रीनेम सीट। जो आपकी यहाँ पर सीट 1 लिखी हुई है आप इसको क्या करना चाहते हो रीनेम देना चाहते हो, तो यहाँ पे आप जाइए रीनेम सीट, यहाँ पर आपको देखेंगे तो यहाँ पर रीनेम का ऑप्शन आ गया, और यहाँ पर आप कोई भी नेम दे दीजिए, जैसे मैंने यहाँ पे नेम दे दिया हरी सिंह। ठीक है, इस टाइप से, या फिर मेरे से और कुछ नेम देना है यहाँ से फिर से जाऊंगा वापस और यहाँ पर मैं नेम दे देता हूँ क्या मार्कशीट। ठीक है, कि जो भी आप सीट बना रहे हो उसी सीट के अकॉर्डिंग क्या करिए यहाँ पर आप अपनी सीट का क्या कर दीजिए रीनेम दे दीजिए। तो इस टाइप से आप क्या कर सकते हो रीनेम कर सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन होता है आपका क्या मूव और कॉपी सीट। मतलब आप अपनी सीट को मूव करना चाहते हो या कॉपी करना चाहते हो तो अपनी सीट को मूव भी कर सकते हो और कॉपी भी कर सकते हो। जैसे मूव और कॉपी सीट पर आते हैं तो अभी देखेंगे तो यहाँ पर हमारी जो सीट सेलेक्ट है मार्कशीट वाली, अब इस सीट को आपको मूव करना है कैदर एंड में, यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ मूव टू एंड, उसके बाद कर देंगे ओके, तो देखेंगे तो आपकी सीट एंड में मूव हो चुकी है और सीट 2 आपकी फर्स्ट पे आ चुकी है। मैं सीट 2 को फिर से मूव करता हूँ यहाँ पर मूव, और यहाँ पर इसको भी एंड कर देता हूँ। अब मैं क्या चाहता हूँ कि इसको मूव भी करूँ और साथ ही साथ कॉपी भी, तो यहाँ पर हम रखेंगे तो सीट और इसको क्या कहते हैं मूव टू एंड, और साथ ही साथ क्या कर देते क्रिएट ए कॉपी, मतलब सीट को हमें क्या करना है मूव भी करना और साथ ही साथ कॉपी, तो ओके करेंगे। तो अब देखेंगे तो जो हमारी सीट 1 थी वो मार्कशीट के नाम से वो यहीं पर है, और साथ ही साथ इसकी कॉपी भी होके आई, और कॉपी किधर होके आई बिल्कुल लास्ट में, मतलब सीट 2 के बाद में। तो इस टाइप से क्या कर सकते हो आप अपनी सीट की कॉपी भी कर सकते हो और उसको मूव भी करा सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन होता है टैब कलर। आप इसके अंदर यहाँ पे टैब कलर शो करा सकते हो, जैसे आपकी अपनी सीट्स होती हैं तो यहाँ से आपको इस सीट के अंदर कलर शो करा सकते हो अपनी सीट को हाईलाइट करने के लिए, कि आप किस सीट पर आपने क्या कलर दे रखा है और कौन सी सीट आपकी एक्टिव है, जिस सीट पे आप वर्क कर रहे हो वो सीट आपकी किस कलर पर शो कर रहा है। जैसे अब आपने ये है तो आप देखेंगे तो मुझे ये सीट सेलेक्ट करूंगा, तो देखिए ये इस टाइप से, तो यहाँ पर आप इस टाइप से क्या कर सकते हो टैब कलर का यूजेस कर सकते हो। क्लियर? देखिए नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट ऑप्शन हमारा क्या प्रोटेक्ट सीट। प्रोटेक्ट सीट बड़ी काम की चीज है। देखिए प्रोटेक्ट सीट की बात करें तो अपनी सीट को क्या करना प्रोटेक्ट करना लॉक लगाना, तो यहाँ पे हम आते हैं प्रोटेक्ट सीट यूज करते हैं। जैसे मैं यहाँ पर प्रोटेक्ट सीट पर क्लिक करूंगा उसके बाद यहाँ पे मैं कोई भी पासवर्ड दे देता हूँ, जैसे एक एग्जांपल मान चलिए मैंने यहाँ पर 123 पासवर्ड दिया, ओके करता हूँ, फिर से री एंटर पासवर्ड मांगेगा एंटर। अब हमारी क्या है यहाँ पर ये पूरी सीट लॉक हो चुकी है। हम यहाँ पर सीट पर कुछ भी वर्क करूंगा तो देखेंगे तो यहाँ पर कोई भी वर्क नहीं होगा। मैं यहाँ से देखेंगे तो ये सारे ऑप्शन भी आपके क्या है यहाँ पर हाइड हो चुके हैं, ये देखिए। ठीक है, कोई भी ऑप्शन आपका काम ही नहीं करेगा, ये देखें कोई भी, यहाँ से आप देखेंगे ये तो आपकी क्या हो चुकी है पूरी यहाँ पर सीट लॉक हो चुकी है। वापस जाइए प्रोटेक्ट अनप्रोटेक्ट कर दीजिए, जो पासवर्ड दिया था वो पासवर्ड दे दीजिए। अब एक एग्जांपल मान चलिए कि आपका ये डेटा है, अब इस डेटा में आप क्या चाहते हो कि कुछ परमिशन देना चाहते हो किसी को कि आप इस सेल के ऊपर काम कर सकते हो अदरवाइज उस पर काम नहीं कर सकते। जैसे एक एग्जाम्पल मान चलिए मैंने मार्कशीट बना रखी है
और इस मार्कशीट के अकॉर्डिंग मैं किसको डेटा को क्या चेक कराना चाहता हूँ। अब मैं चेक कराना चाहता हूँ, मैंने क्या किया कि इसको मैं भेज रहा हूँ किसके पास में, कंप्यूटर वाले टीचर के पास। अब मैं क्या चाहता हूँ कि कंप्यूटर वाला टीचर क्या है, सिर्फ अपने कंप्यूटर के मार्क्स ही एडिट कर सके, अदरवाइज इसमें कोई चेंज ना कर सके। तो हमें क्या करना होगा, जिसमें हमें एडिटिंग कराने पहले हम उसको क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद हम किस पर आएंगे, यहाँ पर लॉक सेल पर क्लिक कर देंगे। ठीक है, किस पर क्लिक करेंगे, लॉक सेल। मैंने यहाँ पर लॉक सेल पर क्लिक किया। लॉक सेल पर क्लिक करने के बाद में आप क्या करिए, यहाँ पर प्रोटेक्ट सीट पर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद फिर से पासवर्ड दीजिए, जो आपने पासवर्ड दिए वो पासवर्ड। अब पासवर्ड देने के बाद में आप देखेंगे यहाँ पर कुछ भी काम करेंगे तो काम नहीं होगा। लेकिन मैंने क्या किया, यहाँ पर ये यह कंप्यूटर वाला है। अब यहाँ पर देखिए चेंज कर रहा हूँ, तो जो मैंने कंप्यूटर वाला कॉलम पर क्या दिया था, परमिशन दी थी कि आप यहाँ पर मार्क्स चेंज कर सकते हो। क्लियर, मैं यहाँ पर देखेंगे तो मैं यहाँ पर देखिए 100 मार्क्स कर रहा हूँ, तो यहाँ पर चेंज हो गया। मतलब मैंने क्या किया, ये कंप्यूटर के जो सब्जेक्ट के टीचर हैं उनको यहाँ पर भेजा चेक करने के लिए कि भाई आप अपने स्टूडेंट के मार्क्स एक बार चेक कर लीजिए, कुछ भी एडिटिंग करनी है तो आप अभी यहाँ पर एडिटिंग कर सकते हो। लेकिन वो किसी भी अदर सब्जेक्ट के मार्क्स नहीं चेंज कर सकते। ठीक है, मतलब किसी भी अदर सब्जेक्ट में वो चेंजिंग नहीं कर सकते। तो आप सब्जेक्ट बाई सब्जेक्ट हिंदी वाले टीचर को क्या कीजिए, हिंदी की परमिशन भेज दीजिए, इंग्लिश वाले को इंग्लिश की परमिशन, मैथ वाले को मैथ की, हिस्ट्री वाले को हिस्ट्री की, SST वाले को SST की, कंप्यूटर वाले को कंप्यूटर की। तो आप क्या करेंगे, अलग अलग सब्जेक्ट बेसिस पे क्या कर देंगे, तो परमिशन दे देंगे। तो क्या होगा, जिस जिस सब्जेक्ट की आप वहाँ पर परमिशन देंगे तो उसी के अकॉर्डिंग वो उसी सेल पर काम कर सकते हैं, अदरवाइज किसी सेल पर काम नहीं कर सकते। अनप्रोटेक्ट कर दीजिए, पासवर्ड दीजिए, एंटर कर दीजिए। अब देखिए नेक्स्ट बात करते हैं हम प्रोटेक्ट की। अब इसमें आपके और भी ऑप्शन यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे, जैसे फॉर्मेट सेल है, फॉर्मेट कॉलम, फॉर्मेट रॉ, इनसेट सेल, इनसेट रॉ, इनसेट कॉलम्स। अब देखिए मैं क्या चाहता हूँ कि यहाँ पर कुछ फॉर्मेट ऐड करने के लिए देता हूँ कि वो क्या करे कि इसमें कुछ चेंज ना कर सके, लेकिन सिर्फ क्या कर सके, सिर्फ फॉर्मेटिंग चेंज कर सके। तो यहाँ पर आएंगे, प्रोटेक्ट शीट पर आइए और यहाँ पे क्या करिए, सिर्फ किस पर क्लिक कर दीजिए, फॉर्मेट सेल, फॉर्मेट कॉलम और फॉर्मेट रॉ। इस पर आप क्या कर दीजिए, चेक कर दीजिए कि वो सिर्फ क्या कर सके, इनमें चेंजिंग कर सके। ठीक है, अदरवाइज कोई चेंजिंग ना हो। तो मैं फिर से पासवर्ड दिया, यहाँ पर पासवर्ड दिया। अब देखेंगे तो यहाँ पे क्या ऑप्शन होगा, आपका फॉर्मेट का ऑप्शन ओपन हो चुका है। आप यहाँ पे इसका कलर चेंज करेंगे। ठीक है, आके आप चाहते हो इसका हेडर का जो कलर है ये चेंज हो जाए, तो आप हेडर कलर चेंज कर सकते हो। आपको इसका कलर चेंज करना है तो आप यहाँ से ये कलर चेंज कर सकते हो। ठीक है, इस टाइप से आपको यहाँ पर क्या करना है, इस टाइप से यहाँ से इसके नेम के टेक्स्ट के कलर चेंज करने हैं तो आप यहाँ पर टेक्स्ट कलर चेंज कर सकते हो। लेकिन अदर कुछ चेंजिंग करेंगे, आप इसके अंदर टाइप करेंगे, कुछ भी एडिट करेंगे, तो यहाँ पर ये चेंजिंग नहीं होगी। क्लियर, क्योंकि इस बार हमने जो कंडीशन दी है वो यहाँ पर किसकी दी है, फॉर्मेटिंग की, कि आप हमारी सीट के अंदर सिर्फ फॉर्मेटिंग कर सकते हो, अदर कुछ चेंजिंग नहीं कर सकते। फिर से वापस जाइए, अनप्रोटेक्ट करिए, यहाँ पर जो पासवर्ड दिया था पासवर्ड दे दीजिए। कि आप चाहते हो यहाँ पर कोई भी रॉ इंसर्ट कर सके, कॉलम इंसर्ट कर सके, तो जिसकी भी आपको परमिशन देनी है वो आप यहाँ पर चेक कर देंगे, तो उसी की परमिशन आप यहाँ पर दे देंगे, तो उसी परमिशन के अकॉर्डिंग वो वर्क कर सकता है, अदरवाइज वर्क नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन होता है यहाँ पर फॉर्मेट सेल्स। यहाँ पे देखिए फॉर्मेट सेल्स पर आएंगे तो ये सारे वही ऑप्शन है हमारे यहाँ पर। जैसे यहाँ पर प्रोटेक्शन के अंदर आएंगे तो यहाँ पर लॉक करना है, एडन करना है। ये नंबर फॉर्मेट में आपको पहले ही बता चुका हूँ, अलाइनमेंट बता चुका हूँ, फॉन्ट, बॉर्डर्स और ये फील्ड के ऑप्शन में आपको पहले ही बता चुका हूँ। अभी तक आपने ये वीडियोस नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर वीडियो के लिंक दे दूंगा, तो वहाँ से जाके आप नंबर्स फॉर्मेट की वीडियोस, अलाइनमेंट की वीडियोस, फॉन्ट की वीडियोस आप जाके देख सकते हो, तो वहाँ से आपको ये सारे डाउट्स वहाँ पर क्लियर हो जाएंगे। क्लियर, तो इस टाइप से आप यूज़ कर सकते हो यहाँ पर सेल्स का। तो आपने देखा इस वीडियो के अंदर मैंने आपको सेल ऑप्शन बताया कि एक्सेल के अंदर हम किस टाइप से सेल ऑप्शन का यूजेस कर सकते हैं, किस टाइप से हम रॉ की हाइट बढ़ाना चाहते हैं, कॉलम की विड्थ बढ़ाना चाहते हैं, रॉ को ऑटो फिट करना चाहते हैं या कॉलम को ऑटो फिट करना चाहते हैं, रॉ को हाइड करना, कॉलम को हाइड करना, रॉ को शो कराना, कॉलम शो कराना, या रॉ इंसर्ट करना, कॉलम इंसर्ट करना, या सीट कैसे इंसर्ट कराते हैं, तो मैंने आपको इसके अंदर पूरा सेल ऑप्शन बताया। साथ ही साथ आप अपनी सीट को कैसे प्रोटेक्ट करना चाहते हो तो आप प्रोटेक्ट कर सकते हो। आप किसी डेटा पे आप चाहते हो कि आपको जो परमिशन चाहिए उस परमिशन के अकॉर्डिंग आप डेटा को लॉक करना चाहते हो तो आप किस टाइप से लॉक कर सकते हो। तो इस वीडियो में मैंने आपको पूरा कंप्लीट सेल ऑप्शन बताया। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अभी आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को अभी कभी सब्सक्राइब कर लें,
प्लस बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि ऐसे ही आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय श्री राम।